दोस्तों मैं हूं जीशान आड़ेपुर, आप देख रहे हैं अपने इस YouTube चैनल जीशान मॉनिटर। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और आपको मिलने वाला है 5 लाख रुपए, वो भी गवर्नमेंट ऑफ बिहार की ओर से। तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले, और ये किनके लिए है वो भी हम आपको इस वीडियो में पूरी चीज विस्तार से बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो रोज लाते रहता हूँ और आपके काम की वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर रोज लाता रहता हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक करके और चैनल के वीडियो लिस्ट में जाके आप वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पे भी आपके काम की बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना दिया है। तो चलिए समय न गंवाते हुए इस वीडियो के जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक पे आते हैं और उसके बारे में आपको पूरी चीज विस्तार से बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अगर कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूँ, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड पटना, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, बिहार स्टेट का जो अल्पसंख्यक का जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आप आ जाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिहार स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी आप आ चुके हैं बिहार स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इस वेबसाइट पर। तो यहाँ पे आने के बाद आपको मिलना, मैं सबसे पहले मैं आपको एक डेट बता दूँ, इसकी डेट क्या है। इसकी डेट जो थी वो 31 दिसंबर 2019 तक थी, लेकिन अब डेट को बढ़ा दिया गया है, उसको बढ़ा के लास्ट डेट अब कर दिया गया है 31 जनवरी 2020। अब 31 जनवरी 2020 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कौन सा फॉर्म, क्या डॉक्यूमेंट, कैसे अप्लाई करना हो, कहाँ जाना होगा, वो चीज़ हम आपको इस वीडियो में पूरी चीज विस्तार से बता रहे हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक मिल रहा है लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट, यहाँ पे फर्स्ट में है चीफ मिनिस्टर रोजगार ऋण योजना 19-20 न्यूज, इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया अंतिम तिथि 31/12/2019 को एक माह विस्तारित करते हुए 31 जनवरी 2020 तक की गई, मतलब 31 दिसंबर तक लास्ट डेट था, उसको बढ़ा के 31 जनवरी 2020 तक कर दी गई है। उसके बाद दिया गया कि आप अतिरिक्त योजना है तो ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों मिलेगा, किसके लिए मिलेगा, कौन इसके एलिजिबिलिटी है, ठीक है। ये देखिए बिहार स्टेट का जो अल्पसंख्यक ऋण योजना, मतलब ये लोन होता है, ठीक है, ऋण योजना जिसमें आपको 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, ठीक है। तो इसमें आप किस कैटेगरी के आदमी को मिलता है ये हम आपको बता दें। इस योजना के अंतर्गत मुस्लिम, तो ये किनके लिए है, किन समुदाय के लोगों के लिए है, इसमें सबसे पहला जो नाम है इस योजना के अंतर्गत, ये बिहार अल्पसंख्यक ऋण उन्हीं को मिलता है जो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, फारसी है, जैन, अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवक युवतियों, ठीक है, इस धर्म, मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी, जैन, इस धर्म के युवक को या युवती को रोजगार के लिए, बेरोजगार आदमी को रोजगार के लिए बिहार सरकार 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराती है। ये तो आप जान गए किनके लिए है और इनके लिए क्या अनिवार्य है टर्म्स एंड कंडीशन। इसके लिए आपको सबसे पहले आपका उम्र 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए और आप किसी भी सरकारी पद पर, जिसके नाम से आप लोन ले रहे हैं, वह किसी भी सरकारी पद पर कर्मी ना हो, वो किसी भी सरकारी पद पर ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे योग्यता की अगर बात कर लेते हैं, इसमें आपको योग्यता का जरूरी नहीं है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं भी है,
अगर आप अनपढ़ है फिर भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं और आपको अच्छा आरक्षण मिल जाएगा इसमें। तो ये हो गया, अब बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। इसके लिए आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा, वो फॉर्म आपको इसी वेबसाइट पर आएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा, इस फॉर्म इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे आपको फॉर्म है, फॉर्म पे क्लिक करेंगे। मैं फॉर्म करके एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉर्म 11 है, ठीक है। तो इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है, ठीक। ये फॉर्म आपको देना होगा, फॉर्म को किस तरह फिलअप करते वो हम आपको बताएंगे आगे। तो इस फॉर्म के साथ साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना मैं आपको बता देता हूँ। एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है जो कि किसी भी साल का हो, आवासीय प्रमाण पत्र चलेगा, अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत हो, ठीक है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र करेंट ईयर का होना चाहिए, मतलब आय प्रमाण पत्र की वैधता एक साल होती है। तो अगर आपकी आय प्रमाण पत्र की वैधता अभी है तो आप लगा सकते, नहीं तो आप न्यू आय प्रमाण पत्र बना के दे सकते हैं। उसके बाद आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी, उसके बाद आपका एक पासवर्ड साइज का रंगीन फोटो जो कि आपको यहाँ पे फॉर्म पे लगाना होगा, उसके साथ एक बैंक पासबुक आपको लगाना होगा, जिस अकाउंट में आपको रुपया चाहिए, ठीक है। नंबर वन एक फॉर्म चाहिए, जो फॉर्म आप देख पा रही, इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। उसके बाद आवासीय आय को आपको फोटोकॉपी करके लगा देना है, अपने आधार कार्ड को फोटोकॉपी करके लगा देना है और अपने बैंक पासबुक को फोटोकॉपी करके लगा देना है। और इसमें पैन कार्ड की बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसमें पैन कार्ड किसी के भी लिए भी अनिवार्य नहीं है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं लेकिन अनिवार्य नहीं है। और एक रंगीन फोटो, ठीक है, ये सब आपको एक डॉक्यूमेंट ये सब को तैयार कर लेना है। इस फॉर्म को प्रिंट करने के बाद आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो आपको फिलअप कर देना, इसमें चिपका देना प्रिंट करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे जिला में आप जिस बिहार के जिस भी जिले से आते हैं उस जिले का नाम लिखेंगे, जिसके नाम पे लोन ले रहे हैं उसका आवेदक का नाम, उसके पिता या पति का नाम और उसका आधार नंबर इस बॉक्स में एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चार नंबर में लिंग, महिला या पुरुष जो वो लिखेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या वो लिखेंगे और यहाँ पे आयु लिख देंगे, ठीक है, 31/12 तक क्या आयु थी इसकी। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर में मोबाइल नंबर देंगे, 8 नंबर में ईमेल आईडी देंगे, अगर ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर में अस्थाई पता देंगे और 10 नंबर में वर्तमान पता देंगे, ठीक है, दोनों को फिलअप करेंगे। उसका 11 में आ जाएंगे, 11 में भी आपको अपना दुकान जहाँ भी है, जहाँ भी बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ जहाँ पे आपको दुकान है अभी, तो उसका पता आपको दे देंगे। अगर आपका दुकान वगैरह घर वगैरह सारा चीज़ एक ही जगह है तो आप सभी में एक ही पता दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे धर्म में यहाँ पे आप जो भी धर्म के हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा आप कहाँ तक पढ़े हैं, 13 नंबर में योग्यता पूछ रहा है, अगर आप मैट्रिक इंटर पास है तो वो लिख देंगे, अगर आप अनपढ़ है सिर्फ नाम वगैरह लिखना जानते हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ साक्षर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 14 नंबर में पूछ रहा वर्तमान पेशा, यानी कि अभी आप क्या काम कर रहे हैं वो आप दे देंगे, मजदूरी है या जो भी है, अभी जो भी काम आप कर रहे वो दे देंगे 14 नंबर में, ठीक है। और इसमें आप 15 नंबर में और 16 नंबर में आपको इसमें अपने हिसाब से नो या यस जो भी आपको लगे वो कर देना होगा। और 16 में आपको दिव्यांग वगैरह हैं तो हाँ या न करेंगे, दिव्यांग है तो दिव्यांग लिखेंगे और उसका प्रमाण पत्र भी आपको दिव्यांग है तो उसका मतलब कि विकलांग प्रमाण पत्र भी लगाना होगा, ठीक है। और 17 नंबर में आएंगे तो यहाँ भी कर रहा है परिवार की सकल वार्षिक आय, परिवार की वार्षिक आय क्या है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ जिसकी वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम है उन्हीं को ये लोन दिया जाता है। तो आपका जो भी आय प्रमाण पत्र वार्षिक आय दिया गया है आय प्रमाण पत्र वही यहाँ पे लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है व्यवसाय का नाम, अपनी दुकान का नाम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद व्यवसाय का कुल लागत लिखेंगे, उसके बाद ऋण राशि हेतु आवश्यकता मांग, आप कितना रुपया लोन लेना चाहते हैं, 18 के खौर नंबर में पूछ रहा आप कितना रुपया लोन लेना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यहाँ पे 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक बिहार राज्य अल्पसंख्यक के द्वारा मिलता है, लेकिन इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आप 1 लाख रुपए लेते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी गवाह या कोई भी गारंटी नहीं देनी होती है।
अगर आप 1 लाख से ज्यादा, 5 लाख या 2 लाख या 3 लाख, 1 लाख से ज्यादा लोन आप लेते हैं, तो आपको यहाँ पे एक सरकारी गारंटर देना होता है, जो भी टीचर हो या कोई भी हो, सरकारी हो, उसके लिए अगर आप 1 लाख से ज्यादा लेंगे तो यहाँ पे आपको अभी तो आपको कुछ नहीं लगाना होगा, जब आपकी लोन पास हो जाएगी तब आपको गारंटर की डॉक्यूमेंट लगानी होगी, ठीक है। तो यहाँ अगर आपके पास कोई गारंटर है तो आप 1 लाख से ज़्यादा भर सकते हैं, अगर आपके पास कोई गारंटर नहीं है तो आप 1 लाख रुपये भर दीजिए। अगर आप ज़्यादा भर देते हैं और गारंटर नहीं मिलता है, इस कारण आपका रिजेक्ट भी हो सकता है फॉर्म, इसलिए 1 लाख रुपये में आपको कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है किसी को। अगर आप 5 लाख लेना चाहते हैं, यहाँ पर गारंटर देना ज़रूरी होगा जो कि सरकारी सेवा पर हो। उसके बाद यहाँ पे अपने हिसाब से यस नो नहीं नहीं ये कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने हिसाब से इसमें नहीं यस जो होगा आप कर दीजिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ 22 नंबर में पूछ रहा आवेदक के आधार लिंक बैंक खाता, जो भी बैंक खाता में आधार लिंक है, जो भी बैंक पासबुक आप दे रहे हैं, ठीक है, उस बैंक का नाम लिखेंगे और शाखा का नाम लिखेंगे, उसका जो पासबुक आप संकलन कर रहे हैं दे रहे हैं, उसका खाता नंबर, उसका IFSC कोड, और यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर, जिसके जिसका लोन ले रहे, जिसके नाम पे जो अप्लाई कर रहा है उसका सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे स्थान और तिथि लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, और इसमें इस समय नहीं नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। ये जब फॉर्म आपको कम्प्लीट हो जाएगा तो अब अपने आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी, आवासीय आई की फ़ोटो कॉपी लगा देंगे इसके साथ, और सभी पे सिग्नेचर कर देंगे और इसी में एक फ़ोटो लगा देंगे, ठीक है। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये तैयार हो चुका है, अब आपको क्या हाँ जमा करना है वो आपको बता दें। तो दोस्तों इसके लिए कोई ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए अभी तक कोई ऑनलाइन अप्लाई करने की, इस लोन के लिए कोई सुविधा अभी तक स्टार्ट नहीं की गई है, ये ऑफलाइन ही अप्लाई होता है। तो ऑफलाइन कहाँ अप्लाई होगा वो हम आपको बता देते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप लोन लेना चाहते हो, आपके मन में ये भी सवाल होता है इसमें हमको वार्षिक ब्याज क्या लगने वाला है, तो अगर आप 5 लाख रुपए तक की ऋण राशि लेते हैं तो 5%, 5 लाख अगर लोन लेते हैं तो 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर मुहैया कराया जाएगा। अगर 5 लाख रुपए आप लोन लेते हैं तो 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर मुहैया कराया, यानी कि 5 लाख में आपको 5% साधारण वार्षिक दर लगेगा, ठीक है, 5%, जो कि 5 लाख का बहुत कम इसमें आपको मिलने वाला है। और इसको किस्त बाय किस्त आप जमा, जब आपको लोन मिल जाएगा तो किस्त बाय किस्त आप 2-3 महीने में 5,000, 6,000, 2-3 महीने में 7,000, जो भी आपको जमा करना है 2-3 महीने में, जो वो आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। अगर आप सही से जमा करते हैं तो आगे चलकर इससे ज़्यादा भी आपको लोन मिल सकता है। ये तो आपको फॉर्म रेडी हो गया, आपके बारे में, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको डिटेल में बता दिया। अब जमा कहाँ करना है, अप्लाई कहाँ करना है, इसके लिए आपके अपने जिला के कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाना है। कलेक्ट्रेट ऑफिस में आपने देखा होगा, अपने कलेक्ट्रेट ऑफिस में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो अपने जिला के कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाना है। कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाएंगे तो आपको एक विभाग मिलता है, अल्पसंख्यक विभाग। अल्पसंख्यक विभाग में आपको जाना है, वहीं पर आपको यहाँ जमा करना होगा, और जैसे आप इस फॉर्म को जमा करेंगे तो आपको उसके द्वारा रसीद भी, ये जो रसीद है इसी पे वो ID संख्या, नाम वगैरह भर के सिग्नेचर करके आपको दे देंगे, ये आपका रसीद हो गया, ये आपका सबूत हो गया कि आपने जमा किया है। अपने इसको लेकर आपके अपने जिले जाना है, जिले में जाने के बाद वहाँ पर आपको जमा करना है, ठीक है, जमा करने के बाद ये रसीद आपको मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मतलब कोई चीज़ वीडियो में आप नहीं समझे हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आप बिना किसी चार्ज का, कोई चार्ज नहीं लिया जाता, और आपकी सहायता के लिए हम 24 घंटे उपलब्ध हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आपको मेरा नंबर मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के अबाउट में मैं अपना नंबर ऐड किया हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी सभी छोटी मोटी हर समस्या का समाधान करेंगे। जहाँ भी फॉर्म भरने में दिक्कत होता है मैं आपको ज़रूर सहायता करेंगे। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। एक इसके बिहार
राज्य अल्पसंख्यक के द्वारा एक रिपोर्ट आया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि अब तक बिहार में, जब से यह लागू हुआ है, अब तक बिहार में 12,600 से ज्यादा लाभुकों को इसका लोन दे दिया गया है। मतलब 155 करोड़ रुपए अभी तक में बांट दिया गया है जब से ये ऋण योजना, ये लोन का जो योजना शुरू हुआ है, तब से अभी तक 155 करोड़ रुपए पूरे बिहार में इस लोन के माध्यम से बांट दिया गया है, लोन दिया गया है, ताकि वो अपनी बेरोजगारी को दूर कर सके और अपने लिए एक अच्छा सा भविष्य तैयार कर सके, लोन लेके एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमें से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर सहायता। और यहाँ पे एक और नंबर, टोल फ्री नंबर भी दिया गया है फॉर स्कॉलरशिप के लिए, यहाँ पे टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर स्कॉलरशिप के लिए और यहाँ पे अदर जानकारी के लिए यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के साथ फिर एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।